हाँ जी, तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर वन की। कैसे सिलेबसेस होंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, हम क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे वीडियोस मिलती है, सब हम डिस्कस करेंगे। देखो जी, सबसे पहले तो बेटा सेमेस्टर वन में आपके पास मेजरली तीन पेपर होंगे। एक होगा एमएमई वन, एक होगा स्टैट्स वन और एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये इंट्रोडक्टरी पेपर्स हैं आपके, तो इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मेथड्स और माइक्रो, ऐसा चलेगा। ठीक है जी, यहां पर बेटा मैथ्स और स्टैट्स ये दोनों प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, ये आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, मनीष गोयल सर। ठीक है जी, जब भी बच्चे हमारे पास एडमिट होते हैं मैं उनको अपना नंबर भी देता हूं ताकि कोई डाउट्स वगैरह पूछने की प्रॉब्लम ना हो। हम करते कैसे हैं देखो, जो जैसी बच्चा हमारे पास एडमिट होता है हम लोग उसको एक एप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं अपनी ऐप में। उस ऐप में वीडियो क्लासेस अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी, प्लस साइड बाय साइड हम लोग लाइव जूम पर भी क्लासेस लेते हैं। ठीक है, जो लाइव जूम पर हम क्लासेस लेते हैं वही क्लास की रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ वीडियो क्लासेस की तरह भी बच्चों को देते हैं। तो पहली सवाल ये है कि सर अगर लाइव जूम पर क्लास हो ही रही है तो आप वीडियो क्लासेस क्यों दे रहे हो? बेटा उसका रीजन नंबर वन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैं चैप्टर वन पर हूं और कॉलेज में चैप्टर टू का इंटरनल है या थ्री का इंटरनल है, तो बच्चों को कुछ आगे के टॉपिक्स भी देखने होते हैं, इसलिए हम वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं साथ साथ। दूसरी बात, कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरी क्लास जिस डे पर है उस डे पर बच्चे की कोई और क्लास क्लैश कर रही है या बच्चे को कॉलेज का कुछ काम करना है, इसलिए भी हम वीडियो क्लासेस बच्चे को देकर रखते हैं। तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस की फॉर्म में आपको मिलती है। ठीक है जी, अब ये रिकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी, हमारी ऐप पर दो फोल्डर्स होते हैं। जब आप हमारी ऐप पर जाएंगे तो वहां पर आपको बेटा दो फोल्डर्स नजर आते हैं। एक होता है बेस्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू क्लासेस और एक होता है लाइव रिकॉर्डिंग्स। लाइव रिकॉर्डिंग का मतलब जब भी मैं कोई क्लास लाइव लेता हूं तो उसकी रिकॉर्डिंग एक फोल्डर में डाल देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने इस साल लाइव कराया उससे बेटर मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर की क्लास थी। बेटर इन द सेंस लाइटिंग, टेक्नोलॉजी या कोई और इंटरप्शन आ गई है उसकी वजह से। तो हमेशा वो बच्चे जो रिकॉर्डिंग देखते हैं मैं उनको एडवाइस करता हूं कि आप बेस्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू फोल्डर में से देखें, और जो बच्चे लाइव क्लासेस में ही आते हैं उनको तो इनमें से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लाइव क्लास में ऑलरेडी आई गए हैं। तो लाइव क्लास की जो बेस्ट रिकॉर्डिंग होती है वो मैं बेस्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू में डालता हूं। तो मेजरली ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स आपको यहीं से इसी फोल्डर से देखनी होती है। ठीक है जी, अब अगर कोई बच्चा डेमो क्लासेस या कुछ देखना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पर डेमो क्लासेस अवेलेबल होती हैं, aceclasses.in। यहां पर हमारी डेमो क्लासेस अवेलेबल है, अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है वहां पर भी। हम कैसे पढ़ाई करते हैं ये देखो बेटा, कि अब इको ऑनर्स आपने लिया है, अभी तक आप लोग सीबीएसई करके आए हो। सीबीएसई में क्या होता है, हमेशा एनसीईआरटी की बुक से ही हम पढ़ते हैं और जो ऑथर्स अदरवाइज हम सप्लीमेंट भी करते हैं वो सारे इंडियन ऑथर्स होते हैं। यहाँ इको ऑनर्स में हम लोग इंडियन ऑथर्स से नहीं पढ़ते हैं। तो हर साल रीडिंग्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रीडिंग्स प्रेस्क्राइब करता है कि इस साल ये पेपर आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, इस साल ये पेपर आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, इस साल आपका सिलेबस क्या होगा। ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे चेंज द सिलेबस, हर साल वो सिलेबस चेंज कर ही देते हैं कुछ कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग अपनी बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं। एमएमई और स्टैट दोनों के लिए आपको हमारी बुकलेट मिलेगी। उस बुकलेट में हम लोग रीडिंग्स के क्वेश्चंस भी ऐड करके रखते हैं, प्लस अपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले भी ऐड करके रखते हैं, प्लस कुछ 10 इयर्स के क्वेश्चंस भी ऐड करके रखते हैं।
तो हम बच्चे को कहते हैं पहले आप हमारी बुकलेट करो, बुकलेट कंप्लीट होने के बाद आपको टेन्योर वगैरह कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने हमारी बुकलेट में सब कवर हो ही गया। उसके बाद आप अगर चाहें तो रीडिंग्स भी कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात। चल अब ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस बेटा संडे तो फिक्स है कि संडे को क्लास होगी ही होगी, ठीक है जी। बाकी जो वीकडे हैं वो हम फ्लेक्सिबल रखते हैं। नॉर्मली हम लोग मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को क्लासेस रखते हैं। टाइमिंग इवनिंग में ही रहता है, नॉर्मली 6:15 PM अराउंड। लेकिन वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर डे टू डे कम्युनिकेट करते रहते हैं कि इस दिन ये क्लास है, इस दिन ये क्लास है। फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहती है वो चीज, लेकिन संडे की क्लासेस हमारी फिक्स होती है कि संडे को तो क्लास है ही, ठीक है जी। तो अब कोई भी बच्चा जब हमको ज्वाइन करता है तो हम बुकलेट उसके घर कुरियर कर देते हैं, ऐप पर उसको ऐड कर देते हैं जहां पर उसको वीडियो क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। और डाउट क्लासेस किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, डाउट डाउट क्लासेस। डाउट क्लासेस के लिए हम क्या करते हैं, बच्चा मुझसे कनेक्ट करता है। अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो मैं उसको फोन पर या व्हाट्सएप पर ही समझा देता हूं, वरना हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर बच्चा हमारी ब्रांच के नियर बाय रहता है तो यहां आकर फेस टू फेस भी हमसे डाउट्स पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा चाहे तो हम लाइव जूम क्लास में भी डाउट सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डाउट सेशंस रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्लासेस का स्ट्रक्चर चलता है, रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस, वीडियोस, डाउट्स। इनमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो, अभी तक क्लियर है? जो संडे वाली क्लासेस है और जो वीकडे वाली क्लासेस है उसमें सेम ही कवर होता है साइड बाय साइड, सेम सेम नहीं, आगे कंटिन्यू होता रहता है ना। आगे कंटिन्यू होता है। बिल्कुल, मैं कंटिन्यूशन में रखता हूं, ठीक है ना। चलो तो ये तो हो गई इतनी बात अभी की हम कैसे करते हैं। अब बेटा देखो, ये है हमारी इस साल की बुकलेट। ड्यू हर साल सिलेबस चेंज करता है तो हमको हर साल बुकलेट रिवाइज करनी पड़ती है। तो ये 2024 दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसकी बुकलेट है। मैं एक बार सिलेबस डिस्कस कर लूं कि सिलेबस इस बार क्या दिया है इन्होंने। देखो जैसा मैंने कहा था, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हर साल एक मीटिंग होती है, तो इस बार जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 16 मई 2024। इसमें इन्होंने हमारा सिलेबस क्या रखा है, देखो जी इन्होंने हमारे सिलेबस में 3 यूनिट रखी है, यूनिट 1, 2 और 3। जो प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक रखी है वो हैमंड रखी है। इन्होंने कहा यूनिट 1 में ये टॉपिक्स है, लॉजिक, प्रूफ्स, सेट्स, सेट्स ऑपरेशंस, फंक्शंस एंड नंबर सिस्टम। इसके लिए उन्होंने इन्होंने बोला कि सिक्सटर एंड हैमंड का चैप्टर 1 आपको करना है, ठीक है जी। ये कुछ 10 आवर्स ऐसे लिखा है कि 10 आवर्स इसको पढ़ने में लगाने चाहिए। इसका अभी कोई रेलेवेंस नहीं हमारे लिए, थोड़ी देर में बताऊंगा इसका क्या रेलेवेंस है, कोई रेलेवेंस नहीं। यूनिट 2 सेम वही ग्राफ्स, एलिमेंट्री कर्व टाइप, इसमें बेसिकली डेरिवेटिव वगैरह ये सब आ गया है। इसमें इन्होंने बोला कि हैमंड से चैप्टर 2 से 8 तक आपको करना है, और यूनिट 3 सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन जिसको मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, हैमंड का चैप्टर 9 आपको करना है। तो बेसिकली अब आप समझो जरा सिलेबस को एमएमई के। एमएमई सिलेबस में एक ही रीडिंग से पढ़ना है हमको। कई बार ये दो तीन तीन चार चार रीडिंग्स भी बताया था कि चैप्टर 1 इससे करो, चैप्टर 2 इससे करो, 3 इससे करो, ऐसे अलग अलग बता देते हैं। फिलहाल इन्होंने बोला सिक्सटर एंड हैमंड एक ही बुक से करना है, उसका चैप्टर 1 से लेकर 9 तक पूरा हमारा सिलेबस है। चैप्टर 1 इन्होंने यूनिट 1 बोला, चैप्टर 2 से 8 तक इन्होंने यूनिट 2 बोला, और चैप्टर 9 को इन्होंने यूनिट 3 बोला। वेटेज की अगर इन्होंने बात की तो आगे जाकर इन्होंने हमको बोल दिया कि जो आपकी असेसमेंट स्कीम है, वेटेज है, वो जितने आर्स हमने बोला है ना उसी प्रोपोर्शन में है, ठीक है जी। अब मेरे को ये बताओ आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम्स कितने मार्क्स का होता है बेटा, पता है आपको? 90 मार्क्स का होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम जो है आपका, 90 मार्क्स का होगा। तो जो वेटेज है वो इसी प्रोपोर्शन में चलेगी। समझो यूनिट 1 में इन्होंने हमें बोला 10 आवर्स पढ़ाई करनी है, इस रेशो को डबल कर दें
तो 20 मार्क्स है यूनिट वन की वेटेज, इसको 25 आवर्स इन्होंने बोला, तो यानी कि 50 मार्क्स है यूनिट टू की वेटेज, इसको थर्ड यूनिट को इन्होंने 10 आवर्स बोला, तो 20 मार्क्स है इसकी वेटेज। 20 मार्क्स ये, 50 मार्क्स ये, 20 मार्क्स ये, हो गया बेटा पूरा 90 मार्क्स कवर, हो गया जी। चलो अब समझो बेटा, एक नॉर्मल बच्चा, पहले तो मैं आपको बता दूं एमएमई वन में काफी बैक आती है बच्चों की। बैक मतलब समझते हैं, ईआर, एसेंशियल रिपीट, कंपार्टमेंट रिपीट, क्यों होता है समझो। 12th में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि बेटा ये लास्ट टाइम आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, इसके बाद जिंदगी में कभी ट्यूशन की जरूरत नहीं, कॉलेज जाना है, मजे करने, बड़ी मजे की जिंदगी बीतने वाली है। लेकिन जब कॉलेज बच्चा दो चार क्लासेस लेता है उसको समझ में आ जाता है, भैया अभी मजे नहीं करने, मैंने इकोनॉमिक्स लिया है, मैंने बीकॉम नहीं लिया है, तो मेहनत करनी है, तो बच्चों को थोड़ा लेट समझ में आता है। लेकिन तो जो बच्चे साथ साथ मेहनत नहीं करते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एग्जाम लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और पहली बार बच्चे फॉरेन ऑथर से पढ़ रहे होते हैं। फॉरेन ऑथर इंडियन ऑथर से क्या फर्क पड़ता है बेटा, बेसिक आसान शब्दों में बताता हूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। देखना, मैंने कहा एक्स ने वाई को 100 रुपीज उधार दिए, समझ में आ रहा है सर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, आसान है। आज तक आप ये पढ़ के आए हो, अभी बुक में क्या लिखा होगा, बोलेगा गामा ने बीटा को $500 बोरो किए। ये तो पहले समझ ही नहीं आ रहा, गामा कहां से आ गया, बीटा क्या कहां से आ गया, और बाद में कभी बोलेगा फाई ने साय को या काय को इतने पाउंड्स दिए, ये फाय साय कहां से आ गया। टर्मिनोलॉजी जो है ना फॉरेन ऑथर्स की अलग है और हमारी अलग है, हम लोग सिंपल भाषा में बात करते हैं लेकिन फॉरेन ऑथर थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं, चलिए वो डिस्कस करेंगे जब हम कंटेंट पर आएंगे। अब वापस यहां पर आ जाओ बेटा, अब आप समझो जरा मार्किंग स्कीम को समझ लो, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। अब आप सोच के बताओ, चैप्टर वन से लेकर नाइन तक पूरा हो गया 90 मार्क्स, अकेले चैप्टर वन की वेटेज कितनी है, ओनली चैप्टर वन 20 मार्क्स, ओनली चैप्टर नाइन की वेटेज कितनी है 20 मार्क्स, और टू से एट तक 7 चैप्टर्स हैं, इनकी वेटेज कितनी है 50 मार्क्स। ऐसे देखने में लग रहा है यूनिट टू सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मेरे हिसाब से यूनिट वन और थ्री सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। एक एक चैप्टर हमको 20 20 मार्क्स दे रहा है, मैं अगर यूनिट वन कर लू और यूनिट थ्री कर लू, सिर्फ मैंने 2 चैप्टर करे लेकिन मेरे 40 मार्क्स सिक्योर हो गए, ठीक है जी। तो बेटा थोड़ी सी ऐसी स्मार्ट स्टडी भी हमको करनी चाहिए, एक काम हो गया। दूसरा, इन्होंने वो आगे बोल दिया रीडिंग लिस्ट में कि भाई चैप्टर वन से नाइन तक हमको पढ़ना है हैमंड से, ठीक है कोई बात नहीं है। तो बेटा हैमंड की रीडिंग आपको परचेज करनी है, रीडिंग जो भी आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे उस कॉलेज के फोटोकॉपी शॉप से आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी, वरना मेरे पास पीडीएफ है, मैंने पीडीएफ भी ऑलरेडी आपको दे ही रखा है, नहीं दिया हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर ले लेना, ठीक है। वो स्टडी मटेरियल फोल्डर में मैं सब कुछ डाल के रखता हूँ, अपनी बुकलेट के सोल्यूशन, रीडिंग्स, रीडिंग्स की पीडीएफ, सब कुछ मैं डाल के रखता हूँ, लेकिन फिर भी फिजिकल कॉपी आपको परचेज करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये आपको ओरिएंटेशन क्लास में कॉलेज वालों ने बता ही दिया होगा, इंटरनल असेसमेंट आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, जिसमें 2 क्लास टेस्ट होंगे 12 मार्क्स के, 6 मार्क्स अटेंडेंस के होंगे। यहां पर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कुछ कॉलेज 2 टेस्ट ही लेते हैं और दोनों के मार्क्स लगा देते हैं, कुछ कॉलेज 3 या 4 टेस्ट ले लेते हैं और बेस्ट ऑफ 2 लगा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्लास टीचर कितना अच्छा और कितना बुरा है। अगर बहुत बुरा है तो 2 ही टेस्ट लेगा, अच्छा है तो 4 या 5 टेस्ट ले लेगा, उनमें से बेस्ट ऑफ 2 लगा देगा, मजे आ जाएंगे, फिर बेटा। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होती है 40 मार्क्स की, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्विज वगैरह रख लेते हैं, अटेंडेंस हो जाती है, ये सब टीचर के हाथ में कि वो क्या करेगा। तो बेसिकली आप एक बात समझ लो बेटा, जो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, ये 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट हो गई आपकी और 40 मार्क्स की कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होगी, तो ये दोनों मिला के 70 मार्क्स हो गए और एंड टर्म एग्जाम आपका 90 मार्क्स का हो गया। यानी कि थ्रू आउट द ईयर जो आप पढ़ रहे हो उसकी भी काफी ज्यादा वेटेज है 70 मार्क्स, तो यानी कि एंड सेमेस्टर में जो आप एग्जाम दोगे उसकी इंपॉर्टेंस तो है ही, प्लस जो क्लास में बीच बीच में आपके टेस्ट हो रहे हैं या मैम को आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहे हो या आप अटेंड कर रहे हो, इनकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। तो पूरा साल पढ़ाई करनी है, 12th वाला चक्कर नहीं चलेगा कि आखिरी के 1 महीना 2 महीना पढ़ाई करी और
बढ़िया मार्क्स आ गए, यहाँ वो नहीं चल पाएगा क्योंकि थोड़ा सा मार्किंग स्कीम वैसी है। अब इसके बाद बेटा कोई खास बात नहीं है, मार्क एंड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में ये खास बात है, बस 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 में से 9 आपको करने होंगे। एमएमई का जो पैटर्न उन्होंने दिया है, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 में से 9 करने होंगे, सिंपल सी बात है जी। तो ये हो गया बेटा हमारा एमएमई के बारे में कि एमएमई में हमें ये करना होगा। क्लियर है इतनी बात एमएमई? ठीक है, यूनिट्स के नाम इन्होंने जो लिखे हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको नाम बता दूं, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, ये 11th 12th में इसको आप मैक्सिमा मिनिमा के नाम से जानते थे। फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में आपको फंक्शंस टॉपिक और डेरिवेटिव एंड लिमिट्स ये टॉपिक मिलेंगे। यूनिट 1 में थोड़े से नए टॉपिक होंगे, इनइक्वालिटी शायद आपने पहले करा होगा और बाकी सब नया है आपके लिए, लॉजिक और सेट्स ये सब नया है क्योंकि ये 11th 12th वाले मेथड से नहीं होते। तो ये था बेटा हमारा एमएमई का सिलेबस, ये हम आपको इस तरीके से बुकलेट मिलेगी, ये हमारा इंडेक्स रहेगा, इस तरीके से हम टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे किसी के भी। यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे चैप्टर 1 से 6 जब मैंने कवर कर लिया तो यहां पर आ जाएगा क्वेश्चंस फ्रॉम सिटसिटर एंड हैमंड, यानी कि रीडिंग रीडिंग के क्वेश्चन चैप्टर 1 से 6 तक में जो थे वो मैंने यहां पर अपनी बुकलेट में भी डाल दिए। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस कवरिंग दीज टॉपिक्स, तो पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं। ठीक है जी, तो सब कुछ हमारी बुकलेट में कवर्ड ही है, इस तरीके से हम कर लें। चलो इसके बाद बेटा हम स्टैट्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं जरा, ये हमारी स्टैट्स की बुकलेट है वही 2024 एग्जाम के लिए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही स्टैट्स की मीटिंग भी हुई थी, ये मीटिंग हुई थी 13th मई 2024 को। इसके सिलेबस की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, देखो जी यहां पर एक हल्का सा चेंज सुन लो बेटा, स्टैट्स में लास्ट ईयर तक 2 बुक्स फॉलो करते थे, एक थी JL DeBoer और एक HCZ, एक नई बुक और इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी 2 साल के लिए सिर्फ। इस साल इन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे दो दो बुक्स करके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो स्टैट्स में इन्होंने एक रीडिंग्स डिलीट कर दी पूरी और एक ही रीडिंग चल रही है सिर्फ। तो इस साल हमारे सिलेबस में सिर्फ डिबोर रीडिंग ही है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, इन्होंने कहा इसमें डिबोर का चैप्टर 1 कवर करना है आपको। यूनिट 2 एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसमें डिबोर का चैप्टर 2 कवर करना है आपको। डिवोर चैप्टर 1, डिवोर चैप्टर 2 और दोनों मिलाकर कंबाइंड वेटेज जो है वो है 20 मार्क्स। यूनिट 1 और 2 दोनों मिलाकर कंबाइंड वेटेज है 20 मार्क्स। ठीक है, फिर इन्होंने कहा यूनिट 3 रैंडम वेरिएबल्स, इसमें चैप्टर 3 के कुछ सेक्शंस बोले, जैसे आप 11th 12th में एक्सरसाइज बोलते हैं ना, एक्सरसाइज दिस 3.1 3.2 3.3 ऐसे, यहां पे आप सेक्शंस बोलते हैं फॉरेन ऑथर्स। तो चैप्टर 3 के कुछ सेक्शंस थे, चैप्टर 4 के कुछ सेक्शंस थे और यूनिट 3 की अकेले की वेटेज 20 मार्क्स। यूनिट 4 में स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, बेटा टॉपिक में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, वो मैं धीरे धीरे जब पढ़ाता जाऊंगा तो टॉपिक समझ में आते जाएंगे, तो इसलिए ब्रॉड सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं मैं खाली। यूनिट 4 में स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें चैप्टर 3 और 4 के कुछ टॉपिक्स हैं और इसकी वेटेज है 30 मार्क्स। यूनिट 5 डिबोर के चैप्टर के 2 सेक्शन है 5.1 एंड 2 और इसकी वेटेज है 20 मार्क्स। यूनिट 1 और 2 यानी कि चैप्टर 1 2, इसकी वेटेज हो गई बेटा 20 मार्क्स। चैप्टर 3 इसकी वेटेज हो गई 20 मार्क्स। ऐसे लिख देता हूं डिबोर चैप्टर 1, डिबोर चैप्टर 2,
इन दोनों को मिला के 20 मार्क्स, डिवोर चैप्टर 3 20 मार्क्स, बेसिकली 3 और 4 का कुछ कुछ पोर्शन है, और यहां पर भी 30 मार्क्स, चैप्टर 3 और 4 का कुछ कुछ पोर्शन है ये, और यहां पर 20 मार्क्स चैप्टर 5, वो भी दो सेक्शन। हां जी, देखने में क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत किसमें करवाएगा और सबसे ज्यादा मजे किसमें आएंगे, मतलब मार्क्स किसमें मिलेंगे? बेटा मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा मुझे मजे आने वाले यूनिट 5 में, सोचो सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है, दो ही सेक्शन है 5.1 एंड 2, और उसके लिए मुझे 20 मार्क्स मिलेंगे, कितना मजा आएगा। और सबसे ज्यादा मेहनत किसमें करवाने वाला है मेरे से, यूनिट 1 चैप्टर 1 और 2 दो चैप्टर करवाएगा और सिर्फ 20 मार्क्स देगा। यहां पर दो चैप्टर करवा के 50 मार्क्स मिल रहे हैं मेरे को चैप्टर 3 और 4 करके, आप समझ में आ रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हो सिलेबस को, कि यूनिट 1 में दो चैप्टर करवाएगा और 20 मार्क्स देगा, यूनिट 3 और 4 में दो चैप्टर करवा रहा है 3 और 4 लेकिन 50 मार्क्स दे रहा है मेरे को, और यूनिट 5 में तो मजे ही कर दिए इसने, सिर्फ दो एक्सरसाइज करवा के मेरे को 20 मार्क्स दे रहा है। तो इस तरीके से हमें एक इंपॉर्टेंस का भी एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब देखो जी, अभी मेरी ये क्लास स्टार्ट करने से पहले बात हो रही थी, आपने कहा मैम ने डॉट प्लॉट, स्टेमेन लीफ और पता नहीं क्या क्या कराया, मजे आ गए। अब आप सोचो बेटा, चैप्टर 1 था, फिर चैप्टर 1 होएगा, फिर 2 होएगा, टोटल वेटेज कितनी 20 मार्क्स, और कॉलेज के टीचर्स की बात समझो जी, इमोशनल होते हैं बड़े, हमारे ट्यूशन टीचर ना प्रैक्टिकल होते हैं, बेटा ये पेपर में आना है और इसको ऐसे करना है और ऐसे ऐसे। अब कॉलेज के टीचर्स की इमोशन समझो, देखो जी यहां रीडिंग्स में कुछ लिखा हुआ है, स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, हाउएवर नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ये टॉपिक नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है लेकिन पेपर में इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। क्या नाम बोला इन्होंने, स्टेम एंड लीफ, रिलेशन बिटवीन पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन नॉलेज के लिए आएगा, तो कॉलेज में करवाएंगे इन टॉपिक्स। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए भी मैंने वीडियोस बना दी हैं, हमारे फोल्डर में इसकी वीडियो भी मिलेगी, क्योंकि कॉलेज में करवाया तो हो सकता है मैम क्लास में कुछ पूछ ले उसके बारे में, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। ये तो हो गया बेटा इसकी बात। एसेंशियल रीडिंग्स में इन्होंने एक ही बुक दिया इस साल हमको, कहा है कि सिर्फ डिवोर से ही पढ़ना है आपको, जेएल डिवोर, ये आपकी प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक रहेगी और इसी से ही पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री बुक्स में इन्होंने दो बुक्स बोल दी, हॉक्स, ये मैंने एच टी जेड आपको बताया था, एच टी जेड बुक, लास्ट ईयर तक ये एसेंशियल रीडिंग में ही थी कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है, अभी सप्लीमेंट्री है पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और मिलर एंड मिलर, सर फर्क क्या है एसेंशियल सप्लीमेंट्री, बेटा एसेंशियल रीडिंग तुमको पढ़नी है, सप्लीमेंट्री हमको पढ़नी है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री हम पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अपनी बुकलेट में डाल देंगे, ठीक है, एसेंशियल आपको भी पढ़नी है, ठीक है जी। ये हो गया थोड़ा सा स्टैट्स के सिलेबस की बात। तो बेटा एमएमई और स्टैट्स दोनों के सिलेबसेस आप लोग समझ चुके हो, स्टैट्स की भी मैंने आपको बुकलेट यहां पर दे दी है, और 10 इयर्स हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है जी। चलो तो ये था बेटा हमारा कि हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम क्या क्या करेंगे। जैसे ही हमारे पास कोई बच्चा एडमिट हो जाता है हम उसको ऐप का एक्सेस दे देते हैं, उसमें सारी वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जो लाइव क्लासेस लेंगे वो भी उनकी रिकॉर्डिंग भी वहां वहां आती रहेगी, ठीक है जी। और रीडिंग्स आपको परचेज करनी है, बुकलेट्स हम यहां से आपको कुरियर करेंगे, एवरी संडे फिक्स है कि क्लास होगी होगी, और वीकडे की क्लास हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर इंटीमेट करते रहेंगे, जो लाइव क्लासेस होंगी उनके लिंक भी आपके पास आते रहेंगे।